जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हर हाल में जरा पास करना चाहते हैं, यदि आप दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरा पास करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका जो जरा क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है, 2 बार मेरा पीजी अपीयरिंग के साथ, 1 बार मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जरब पास किया है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2024 के लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था। हमारे बैच से 31 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ है और उन 31 में से 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपीयरिंग के साथ जरब पास किया है। इन 31 कैंडिडेटों में से 18 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 75 या 75 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हुए ज्योग्राफी में। अब हम यहां पर क्या करते हैं, देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे अगले 5 दिन का स्टडी प्लान के बारे में कि हमें अगले 5 दिन में क्या पढ़ना है। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम केवल क्लास ही नहीं बल्कि यहां पर हम रेगुलर टारगेट भी देते हैं। हम यहां पर रेगुलर सिस्टमेटिक तरीके से बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट वाले कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, कंप्लीट सिलेबस हमारे नेट जर्व के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाते हैं, साथ ही साथ बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहां पर गाइड करते हैं और इसके अलावा यहां पर हम वीकली टारगेट भी देते हैं कि आपको इस वीक में ये सारी चीजें कंप्लीट करना है। साथ ही साथ हम यहां पर डे टारगेट भी प्रोवाइड करवाते हैं कि अगले 7 दिन में आपको पर डे कितना पढ़ना है ताकि आप अगले 7 दिन के अपने टारगेट को पूरा कर सको। अब दीपावली आने वाली है और 7 दिन बचे नहीं है, इसलिए हम अगले 5 दिन का हमारा जो स्टडी का मास्टर प्लान है जो हमने अपने बैच में शेयर किया है और जो हमारे बैच के कैंडिडेट हैं वो इस टारगेट मास्टर प्लान को फॉलो करने वाले हैं। तो यदि आप भी इस तरीके से रेगुलर टारगेट लेकर पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कोई भी कैंडिडेट आपका जरब नहीं रोक सकता। यदि आप एक बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थित बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ तैयारी करते हो तो किसी भी कंडीशन में आपका जरब नहीं रुकने वाला, आप हर हाल में जरब पास करने वाले हैं। तो मैं एक बार आपके साथ शेयर करता हूं कि हमारे अगले 5 दिन का जो मास्टर प्लान है वो क्या है और हमें अगले 5 दिन में किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमारा टारगेट केवल जरब क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना हमारा बिल्कुल भी टारगेट नहीं है। हमने यहां पर क्या किया है, जितने भी हमारे बैच के कैंडिडेट हैं उनको हमने टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक वो कैंडिडेट जो फुल टाइम से केवल और केवल नेट जरब की तैयारी कर रहे हैं, जो रेगुलर लगभग 12 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं। दूसरे वो कैंडिडेट जो पार्ट टाइम कहीं पर काम करते हैं, वो 12 घंटे नहीं बल्कि रेगुलर केवल 10 घंटे तक पढ़ रहे हैं। और तीसरे वो कैंडिडेट जो रेगुलर केवल 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं। तो हमने इस तरीके से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है हमारे टाइम शेड्यूल को। हमारा यहाँ पर टाइम शेड्यूल उन कैंडिडेटों के लिए भी बहुत स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है जो 8 घंटे से कम पढ़ते हैं रेगुलर। उनको 8 घंटे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, वो रेगुलर केवल 5-6 घंटे पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी हमारा एक अलग से प्लान रहता है जिसका मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर हम 3 कैटेगरी वाले कैंडिडेटों की बात कर रहे हैं जो हमारे बैच में, वो कैंडिडेट जो रेगुलर 12 घंटे पढ़ते हैं, वो 8 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, 4 घंटे फर्स्ट पेपर को पढ़ते हैं। बी कैटेगरी में वो कैंडिडेट जो 10 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, वो 6.5 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, 3.5 घंटे फर्स्ट पेपर को पढ़ते हैं। वो कैंडिडेट जो केवल रेगुलर 8 घंटे पढ़ सकते हैं, जिनको हमने सी कैटेगरी में शामिल किया है, जो ज्योग्राफी को रेगुलर 5.5 घंटे और फर्स्ट पेपर को रेगुलर 2.5 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइम मैनेज कर रखा है और ये हमारे बैच के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारे बैच में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी लगभग एक समान है, क्योंकि हमारे बैच में ज़्यादातर कैंडिडेट वो होते हैं जो पहली बार नेट जर्व का एग्जाम देने वाले होते हैं, जिनका ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर बिल्कुल जीरो रहता है, मतलब जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, हमारे बैच में ज़्यादातर वो कैंडिडेट रहते हैं। ठीक, अब हम अगले 5 डेज का जो टारगेट है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर। देखो अगले 5 दिन में हमें जो ज्योग्राफिकल थॉट की यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी, उसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से तैयार करना है।
ठीक है। साथ ही साथ जो रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं उनको भी हमें अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हम केवल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो तो ज्योग्राफिकल जो थॉट की यूनिट थी इसको हमने टोटल 143 पेजों में कंप्लीट किया है। टाइपिंग किए हुए 143 पेज है। ये जो ज्योग्राफिकल थॉट के 143 पेज है, ये जो कंटेंट है वो केवल और केवल नेट जर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ये जो कंटेंट है वो हमने बहुत ऑथेंटिक किताबों से तैयार किया है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी भी तरीके का पेपर आए, ज्योग्राफिकल थॉट का एक भी क्वेश्चन हमारे इन 143 पेजों से बाहर नहीं जाएगा, यदि आप इनको सही ढंग से याद कर लेते हो तो। ठीक है, इन नोट्सों को जब हमने तैयार किया है तो इस तरीके से तैयार किया है ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए, इसलिए हमने इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान रखी है। हमने इनको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है, सिक्वेंस वाइज तरीके से लिखा है ताकि आपको याद करने में किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो हमें टोटल ज्योग्राफिकल थॉट के 143 पेजों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ज्योग्राफिकल थॉट के हमारे एग्जाम में लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, कभी कभी 9-10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एवरेज 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप 143 पेजों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपके 7-8 क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे, हर हाल में आपके 7-8 क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है, हमें रेगुलर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, कार्टोग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी हमें साथ के साथ देखना है, रेगुलर उन क्लासों को भी अटेंड करना है, साथ ही साथ हमें ज्योग्राफिकल थॉट को भी बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं एक एवरेज निकाल कर चलूँ तो हम क्लासों को देखने के बाद, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट की आप सभी लोगों ने क्लास देख ली है ऑलरेडी, मतलब आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, जो समझने का था वो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, अब केवल आपको याद करना है। क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से देखने के बाद आप एक पेज को अच्छे तरीके से याद करते हो तो उसमें लगभग आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है एक पेज को याद करने में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर एवरेज लेके चल रहा हूँ कि सभी के सभी कैंडिडेट ऑलमोस्ट 18 मिनट में एक पेज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। मैं केवल रीडिंग की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो आप 18 मिनट में एक पेज को, ये जो मैं 143 पेज बता रहा हूँ इनमें से। ठीक है, अब हम यहाँ पर टाइम शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपका तो फोकस केवल पेज पढ़ने पर है, कि हमें तो केवल पढ़ना है, जबकि हम तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमें याद होना चाहिए। देखो भाई लोगों, आप टारगेट लेकर पढ़ाई करोगे ना तो ही आपकी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगी। यदि आप ये सोचोगे कि केवल मेरे को ये 143 पेज अच्छे तरीके से याद करने हैं तो हो सकता है कि आप 2 घंटे में केवल 2 पेज याद कर पाओ, लेकिन यदि आपने ये टारगेट ले लिया कि मेरे को अगले 18 मिनट में एक पेज अच्छे तरीके से रटना है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 18 में नहीं 18 से भी कम मिनट में एक पेज को अच्छे तरीके से रट दोगे। क्योंकि हमारा जो नेचर है ना वो इस तरीके से होता है, यदि हम बहुत लंबा टारगेट लेते हैं वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाता, हम छोटा टारगेट लेते हैं वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जब हम छोटा टारगेट लेते हैं तो वो लंबे टारगेट की तुलना में जल्दी पूरा होता है, ज्यादा पूरा होता है। ठीक है, आपने ये सोच लिया कि मैं 6 घंटे में ज्योग्राफिकल थॉट के 5 पेज पढ़ूंगा, ठीक है, आप 6 घंटे में 5 पेज पढ़ोगे तो हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करेगा, हम पढ़ रहे हैं बीच में उठकर चले गए क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें 6 घंटे में 5 पेज पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप ये टारगेट लेके चलोगे कि मेरे को अगले 18 मिनट में एक पेज रटना है, एक पेज अच्छे तरीके से याद करना है, तो आपका माइंड सेट इस तरीके से काम करेगा कि मेरे को अगले 18 मिनट के लिए बिल्कुल निश्चित जगह पर होकर बैठना है और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है ताकि 18 मिनट में ये पेज मेरे को अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, और ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है, पिछले 4 साल से मैं इसी तरीके से गाइड करता आ रहा हूँ जिसकी वजह से हमारा बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहता है, वो एक्सपीरियंस है। आप टारगेट लेकर देखना कि अगले 18 मिनट में ये मेरे को पेज अच्छे तरीके से रटना है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप 18 मिनट में नहीं 15 मिनट में पेज को अच्छे तरीके से रट दोगे। आपने समझ ऑलरेडी लिया है क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास देख ही ली है, और ज्योग्राफिकल थॉट में बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है, सब कुछ केवल याद करने का है। ठीक है, यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो आप स्पीड बढ़ाकर क्लासों को भी देख सकते हो यदि आप देखना चाहते हो तो। बाकी यदि आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता आपका, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप तुरंत मेरे को व्हाट्सएप पर चैट करें,
क्योंकि आप हम आपस में व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्टली कॉल करें और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है डायरेक्टली आप मेरे से बात करें, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपको अच्छे तरीके से जो भी कन्फ्यूजन उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हमें हर हाल में बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, कम टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। और इस टेक्निक को मैं बताऊं, जो नीट और आईआईटी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर ये टेक्निक होती है। ठीक है, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर ये टेक्निक होती है, वो कम टाइम में बड़ी चीज़ों को, बड़े सिलेबस को केवल इसी तरीके से कवर कर पाते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे टारगेट लेकर तैयारी करते हैं। वो बड़ा टारगेट नहीं लेते कि मेरे को एक महीने में किताब या दो किताबें कंप्लीट करनी है, वो पर डे के, पर घंटे के टारगेट लेके चलते हैं, उनको मिनटों में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि अगले 15 मिनट में मेरे को ये पढ़ना है, उससे अगले 15 मिनट में मेरे को ये पढ़ना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करोगी यदि आप इस तरीके से टारगेट लेकर पढ़ोगे तो। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरा शेड्यूल बना दिया। एक कैटेगरी के कैंडिडेट रेगुलर ज्योग्राफी को 8 घंटे पढ़ेंगे, उनको लगभग 2.5 घंटे अपने क्लासों को देना है। यहाँ पर दोनों कार्टोग्राफी की, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही, लगभग 2.5 घंटे पढ़ाते हैं हम रेगुलर, तो 2.5 घंटे आपका लाइव क्लास का टाइम हो गया। उसके बाद का जो बचा 5.5 घंटे वो आप ज्योग्राफिकल थॉट को दो। 18 मिनट का टारगेट लो एक पेज को याद करने का, आप आसानी से पढ़ दे 17 पेज याद कर सकते हो। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है, 18 मिनट में एक पेज भी याद करना है अच्छे तरीके से, और पूरे दिन में आपको 17 पेज भी याद करना है अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन में दो तीन पेज तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने लग गए फिर बाहर घूमने के लिए चले गए, ऐसे नहीं। आपको 17 पेज भी अच्छे तरीके से तैयार करना है एक दिन में, एक मिनट में एवरेज एक पेज को 18 मिनट में भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट रेगुलर 12 घंटे पढ़ रहे हैं वो लाइव क्लास देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, उनके पास सफिशियंट टाइम है। अब बी और सी कैटेगरी के कैंडिडेट, बी वाले जो 10 घंटे पढ़ते हैं रेगुलर, सी वाले जो रेगुलर 8 घंटे पढ़ते हैं, इनको लाइव क्लास नहीं देखनी है, ये डिकोडेड क्लास को देखें स्पीड बढ़ाकर, उससे इनका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आप लाइव क्लास देखोगे तो 2.5 घंटे के 2.5 घंटे आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जब आप रिकॉर्डेड देखोगे तो आप उसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, जहां पर लगता है कि ये हमें समझ में आ गया आप उसको स्किप कर सकते हैं। और बाय चांस फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो मैं हूं भाई लोगों आपके लिए, आप कॉल करो, मैसेज करो, मैं केवल और केवल आपके लिए, हमारा टारगेट है हर हाल में जरा पास करना। ठीक है, तो जो बी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1.5 घंटे में ये जो 2.5 घंटे की क्लास है उसको कवर करना है अच्छे तरीके से। आप यदि 1.5 की स्पीड से देखोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है हमें 1.5 की स्पीड में, तो लगभग इतने टाइम में ये आपकी क्लासें कवर हो जाएंगी। 5 घंटे आपको ज्योग्राफिकल थॉट को देना है, एक पेज को 18 मिनट में तैयार करना है, 15 पेजों को आप पर डे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। सी कैटेगरी के कैंडिडेट जो रेगुलर 5.5 घंटे दे सकते हैं सब्जेक्ट को, 1.5 घंटे आपको क्लासों को देना है, बचे 4 घंटे, 4 घंटे में आपको ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ना है और आपको 18 मिनट पर पेज के अकॉर्डिंग 12 पेज रेगुलर के पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको टारगेट लेकर पढ़ाई करना है। 2-3 दिन अप्लाई करो, 100% तरीके से आपके अंदर रूटीन हो जाएगा। हमारे जो बैच के कैंडिडेट वो इसी तरीके से पढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब यहां पर मैंने स्पेशली तरीके से कुछ बातें लिखी हैं, पेज को अच्छे तरीके से याद करना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है। ऐसे नहीं कि केवल आपने रीडिंग कर लिया कि मेरे को तो 18 मिनट में एक पेज रीड करना है। भाई 18 मिनट मैंने टाइम इसलिए लिया है क्योंकि आप 18 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से उस पेज को याद कर सकते हो। मैं 10 मिनट भी ले सकता था, मेरे को पता है कि 10 मिनट में आप पेज को अच्छे से याद नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 18 मिनट का टाइम दिया। ठीक है, आपको हर एक पेज की हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से याद करना है। कहीं कोई दिक्कत आए तो मैं हूं, ये मेरे नंबर है। ठीक है, दूसरा, जो भी आपको लाइन याद हो, सपोज डेट आप पढ़ रहे हो, आपको लगा कि ये लाइन मेरे को अच्छे तरीके से याद है, तो उस लाइन के जस्ट आगे आप ए लिख दो। ठीक है, जो लाइन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गई, सपोज डेट आप पहला पेज पढ़ रहे थे उसमें लगा कि ये लाइन मेरे को अच्छे से याद हो गई, तो उस लाइन के जस्ट आगे आप ए लिख दो, ताकि आपको पता रहे कि जिस लाइन के आगे मैं ए लिख रखा हूं वो लाइन मेरे को ऑलरेडी अच्छे तरीके से याद हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ना वो आपको तब काम आएगा जब आप रिवीजन करोगे। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस तरीके को फॉलो करोगे ना बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप, बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को कवर करोगे। आपको जो लाइन याद है उस लाइन के आगे आप ए लिखते जाओ, सपोज डेट एक पेज में आपको 5 लाइन याद है तो आप उन 5 लाइनों के आगे बिल्कुल स्मॉल लेटर में आप ए लिख दो, ताकि आपको पहचान में आ जाए कि ये लाइन मेरे को याद है क्योंकि मैंने इसके आगे ए लिख रखा है।
ठीक है, ये करना है आपको। और यहाँ पर मैंने आपको रेगुलर बेसिस पर भी टारगेट दिया है, ठीक है। अगले 5 दिन का हमने ये प्लान बनाया है, 26 तारीख का, 27 तारीख का, 28 तारीख का, 29 तारीख का और 30 तारीख का, ठीक है। पेड बैच में मैं इनको टॉपिक वाइज तरीके से कन्वर्ट करके प्रोवाइड करवा दिया कि 26 तारीख को आपको कौन कौन से टॉपिकों को किस किस को पढ़ना है, 27 तारीख को कौन कौन से टॉपिक, 28 को कौन कौन से, 29 को कौन कौन से, 30 को कौन कौन से, ठीक है। 30 तारीख को हम टेस्ट लेंगे इन पिछले 4 दिनों का, 26, 27, 28, 29, इन 4 दिन में आपने ज्योग्राफिकल थॉट का जो भी पढ़ा है उसका हम टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी कैंडिडेटों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इस टारगेट को फॉलो करो। हमने 5 दिन का प्लान बनाया, छोटी दीपावली तक हमें पढ़ाई करनी है, और कुछ लोग मान रहे हैं कि बड़ी दीपावली 1 तारीख की है, कुछ लोग मान रहे हैं कि बड़ी दीपावली 31 तारीख की है, ठीक है। लेकिन हमें 30 तारीख तक पढ़ना है, ये अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है भाई लोगों। टारगेट को आपको हर हाल में पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है, और इस तरीके से टारगेट लेकर पढ़ाई करोगे तो आपका हर हाल में जरा पास हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो कैंडिडेट 8 घंटे से कम पढ़ते हैं वो मेरे साथ डिस्कस कर लेना, मैं आपको और भी बेस्ट वाला प्लान बताऊंगा, तो उससे आप मात्र 5-6 घंटे रेगुलर पढ़कर भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिखो, मेरे से कॉल करो, बैच ज्वाइन करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो। और जब लगे कि सच में हम इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो आप बिना देरी किए हमारे साथ जुड़े और तैयारी को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।